which means that this should have been Nusselt number X, this should have been Nusselt number entire length के ऊपर, मगर इन्होंने दोनों को X में लिख दिया है. तो अगर आपका localized laminar flow है कि आप बोल रहे हैं कि आपकी total length 5 meter है, मगर आपको सिर्फ Grashof number निकालना है exact solution से, Grashof number नहीं, Nusselt number निकालना है exact solution पे on 3 meter, तो आप ये वाला formula लगाएंगे. जितने Grashof number की length अप्रोक्सीमेटली सॉल्यूशन करना है. अगर आपको अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन निकालना है तो अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन के अंदर ये डिराइव हो चुका था कि U1 एक चीज क्या होती है. U1 इन्होंने निकाला था, U1 आपकी स्पीड है. इन्होंने इस U1 को इस तरह डिराइव किया कि U1 इज समथिंग कॉल्ड UX GB डेल्टा स्क्वायर TS माइनस T इनफिनाइट फोर काइनेमेटिक विस्कोसिटी. ये आपके जो हीट ट्रांसफर एक्सपर्ट्स हैं, इन्होंने ये एक रिलेशन निकाल दी कि एक चीज होती है U1, U1 का ये फॉर्मूला है, और इस U1 फॉर्मूले के अंदर ये थर्मल एक्सपेंसिविटी है, ये बाउंड्री लेयर है, हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर, ये आपका टेम्परेचर डिफरेंस है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, और UX है, GF. आपको ये फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है, ये यूज का होता है. आपको जो ढूंढना होता है ना, वो अक्सर आपको ढूंढना होता है यू मैक्स की वैल्यू. यू मैक्स का मतलब ये हुआ द मैक्सिमम वेलोसिटी, द मैक्सिमम अप्रोक्सीमेट वेलोसिटी ऑन योर वर्टिकल प्लेट. आपको याद है जब मैं आपको वर्टिकल प्लेट दिखा रहा था तो हम एक मैक्सिमम वेलोसिटी की बात कर रहे थे. ये आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी थी, इस वेलोसिटी के बाद आपकी वेलोसिटी गिरना शुरू हो रही थी, तो ये आपकी थी. अल्फा गिवन नहीं है, हम कैसे सॉल्व करेंगे? ये कौन सी टर्म है? प्रांटल नंबर. प्रांटल नंबर. तो अगर आपको क्वेश्चन में डेटा में प्रांटल नंबर गिवन है, तो आपको तो V अपॉन अल्फा लिखने की जरूरत भी नहीं है. आप डायरेक्टली प्रांटल नंबर की वैल्यू पुट कर दो, बिकॉज यू नो दैट प्रांटल नंबर इज V अपॉन अल्फा. तो दिस डिपेंड्स ऑन लुकिंग एट योर डेटा. इन्होंने इसको इस तरह कर रखा हुआ है क्योंकि वैसे फॉर्मूले में ये आता है, बट इन सिंपल वर्ड्स यू कैन ऑल्सो राइट 0.952 प्लस फ्रंटल नंबर. ये आ गई बात यू मैक्स की. अब सर यू मैक्स, जी बोले सर. रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की है आपने? नहीं, मैंने नहीं की है. मैंने मैसेज एक छोड़ा था कि न्यूमेरिकल करेंगे, इसके अंदर कोई रिकॉर्डिंग की रॉकेट साइंस नहीं है.
सर कर दे, क्योंकि वो असल में बच्चे होते ना हमारे अहले तशरीफ भाई जो हैं जुलूस वगैरह में गए होंगे, तो इससे अच्छा है कि वो कर ले। अगर कोई जुलूस में गया है तो मुझे मैसेज कर ले, मैं उसको बता दूंगा उसका वैलिड रीजन है। बेशक जुलूस में जाए सर मुझे कर दे। मैसेज कर ले, हाँ मैं हेल्प कर क्योंकि लूंगा। कुछ चीज कुछ चीजें हमें भी समझ में नहीं आती, तो इस वजह से हम दोबारा इसको देख लेंगे, आप पहले इसको सुने फिर क्योंकि देख लीजिएगा, क्योंकि जब मैं ऑन करता हूँ ना तो उसका नाजायज फायदा उठाया जाता है। तो अब बैठें और समझें। सर दोबारा रिपीट करने के लिए अब आपका जो लेक्चर है 1 घंटे का होगा, दोबारा हम आपको बार बार बोलेंगे सर रिपीट करता हूँ, तो क्या हो कोई जाएगा मसला कि कोई टाइम वेस्ट हो कोई कोई जाएगा। कोई मसला नहीं है। अब मुझे ये प्लीज कंप्लीट करने दें। अच्छा सर ये जो फार्मूले है जितने भी है, इनके बैकग्राउंड कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या डेरिवेशन, ये आए कैसे, क्या हुआ, मतलब कोई तो होगी ना, हमसे कोई पूछे बिल्कुल कहाँ है, से है बिल्कुल ये तो। हम है। मोमेंटम बैलेंस से आए हैं और हीट बैलेंस से आए हैं, मगर वो तीन तीन चार चार तो पेज के डेरिवेशन हैं। जी जी राजकोट के सर अंदर तमाम डेरिवेशन गिवन हैं, वो मगर तो समझ हमारा में काम नहीं आ रहा ना। इसे आपको समझने की जरूरत नहीं है। जब हाँ मैं आपको सारे इक्वेशन और रिलेशन दे रहा हूं, आपको सिर्फ अप्लाई करना आता है फॉर्मूला। तो तमाम डेरिवेशन कराऊं तो सिर्फ एक एक कोर्स होगा हीट ट्रांसफर का, और कोई आपका कोर्स नहीं होगा। ये जो जी सर। डेरिवेशन है ये लोग अच्छा पीएचडी में करते हैं। तो आपको सारे अच्छा रिलेशन सर दिए, एक सेकंड पूरी बात सुने, आपको सारे रिलेशन दिए गए होंगे सिवाय वो फॉर्मूलेस के जो मैंने आपको कहे हैं कि ये आपको मालूम होने चाहिए। जैसे टॉर का हो गया, ग्राशॉफ नंबर हो गया, रेनॉल्ड नंबर हो गया, फोर्स हो गया, ये चीजें नहीं दी जाएंगी उस, और नसेल्ट नंबर हो गया लैमिनर फ्लो के लिए। जो जो मुश्किल फॉर्मूले हैं वो तमाम फॉर्मूले आपको सप्लाई किए गए जाएंगे, एक्स्ट्रा भी दिए जाएंगे। तो आपको अच्छा सिर्फ सर जी अच्छा सर जैसे ये आप अपने डेटा दिया फार्मूले में पुट कर दिए ना, तो इसके इन फार्मूले की एप्लीकेशंस भी सर साथ साथ बताते जाइएगा सर, ताकि वो ना कॉन्सेप्ट बनता जाए। यार, पहले थ्योरी जानोगे तो एप्लीकेशन होगा ना। इस सवाल से मैं तंग आ गया हूं। पहले 14, अब ये पूछते हैं, अब उन्होंने आपको करना शुरू कर दिया। कोई और सब्जेक्ट में आप पूछते हैं इस सवाल? जरा आप जाकर पूछें, मास ट्रांसफर के जी अंदर जाकर पूछें, जाकर थर्मो में सर पूछें। थ्योरी आपको ओ मालूम सर नहीं है, आप एप्लीकेशन की जी बात करते हो। सर 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 होता आगे ही है ना कि वो समझिए। टीचर टीच टीचर की वो होती है ना एक्सपर्टीज, तो आपकी एक्सपर्टीज है, तो इस वजह से वो कितना अच्छा लगता है आपसे पूछने में। नहीं, मेरी मेरी कोई अब आप एक्सपर्टीज नहीं है। सॉरी सॉरी, मेरी कोई एक्सपर्टीज नहीं तो है। मैं जी कुछ सर नहीं हूँ, सही है, मैं कुछ नहीं हूँ, मेरी ना कोई एक्सपर्टीज है। अब प्लीज, अब सेंसिबल सवाल हो तो पूछें, नॉन सेंसिबल सवाल में मुझे रोके नहीं, मुझे ये कंप्लीट करना है। जिस तरह आपका ये यू मैक्स का पोर्शन है, इसी तरह एक फॉर्मूला होता है बाउंड्री लेयर थिकनेस को कैलकुलेट करने के लिए। ये फॉर्मूला भी कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आपको फ्री कन्वेक्शन की बाउंड्री लेयर थिकनेस कैलकुलेट करने को मैं बोलूं, तो मैं आपको ये फॉर्मूला डेफिनेटली प्रोवाइड करूंगा। और अगर ये फॉर्मूले तमाम बाउंड्री लेयर थिकनेस के फॉर्मूले के साथ गिवेन होंगे, मतलब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ अप्लाई करना है, मगर आपका इंटेलिजेंस यहाँ यूज होगा। आप सिर्फ ये देखना कि इस बाउंड्री लेयर थिकनेस के फॉर्मूले में ग्राशॉफ नंबर का वो है, ग्राशॉफ नंबर है। ग्राशॉफ नंबर का क्या मतलब हुआ? ग्राशॉफ नंबर का मतलब है ये बाउंड्री लेयर फॉर्मूला सिर्फ फ्री कन्वेक्शन के लिए यूज होता है। तो अगर मैंने आपको 5 फॉर्मूले दे दिए कन्वेक्शन के लिए और बताया नहीं कि फ्री का है या फोर्स का है, आपको फॉर्मूला बता रहा है कि भाई इसमें ग्राशॉफ नंबर है, ये फोर्स में यूज ही नहीं हो सकता, ये फ्री का फॉर्मूला है। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो जिससे आप मालूम कर सकते हैं कि फॉर्मूला कौन सा यूज होता है। जब एग्जाम करीब आएगा तो मैं एक दफा रिविजन कर आपको रिपीट भी कर दूंगा कि छोटी छोटी ट्रिक्स कौन सी हैं। और एग्जाम से पहले अगर मेरी क्लास नहीं हो, किसी और की क्लास हो, मैं एक स्पेशल क्लास रख लूंगा आधे घंटे के लिए, जिसके अंदर मैं आपको अपने पोर्शन से मेन मेन चीजें बता दूंगा कि ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और इस तरह अप्रोच करना चाहिए, वो मैं दोबारा बता दूंगा। तो उसका कोई मसला नहीं है। तो इसी तरह ये एक डेल्टा एक्स अपॉन फॉर्मूला है। इसके अंदर अगर आपको ये डेल्टा फाइंड आउट करना है, तो सिंपली जो आपकी एक्स है उसको इधर ले जाइएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपको आपकी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये दूसरा जो फॉर्मूला है, ये बाउंड्री लेयर फॉर्मूला के लिए है। तीसरा फॉर्मूला पे आ जाए जी। सर जो ये आपने बताया सर, ये लेमिनार के लिए, टर्बुलेंट के लिए, ये लैमिनर, लैमिनर मैंने अभी टर्बुलेंट तक मैं आया ही नहीं हूँ। ओके सर, मैं सिर्फ लैमिनर की बात कर रहा हूँ।
और मैं आपको ये भी तरीका बताऊंगा कि आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि टर्बुलेंट के लिए कौन सा है और लैमिनर के लिए कौन सा है। तो अभी लैमिनर की बात हो रही है। अब नसल्ट नंबर, नसल्ट नंबर के दो फॉर्मूले होते हैं। ये मैं पहले बात कर रहा हूं लोकलाइज नसल्ट नंबर की। इसका एक रिलेशन तो ये है 0.508 प्रांटल नंबर हाफ 0.952 प्लस प्रांटल नंबर -1/4 ग्रश ऑफ नंबर 1/4। ये एक फॉर्मूला है। दूसरा जो फॉर्मूला है वो ये है कि अगर आपको बाउंड्री लेयर मालूम है तो 2 × x / बाउंड्री लेयर अगर आप करेंगे तब भी आपको नसल्ट नंबर मिल जाएगा। ये शॉर्टकट तरीका जब होगा जब आपको बाउंड्री लेयर पिछले पार्ट के अंदर मालूम है। अगर मैं आपको बाउंड्री लेयर कैलकुलेट ही नहीं करवाऊं और नसल्ट नंबर निकाल लूं तो आप ये पार्ट नहीं कर पाएंगे जब तक आप बाउंड्री लेयर नहीं निकालेंगे। तो इसीलिए नसल्ट नंबर के दो फॉर्मूले हैं। अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो मैं आपको दोनों मेथड से करवाऊंगा नसल्ट नंबर को। ये रुक गई। अच्छा, अब जैसे ये लैमिनर फ्लो के नॉर्मल लोकलाइज नसल्ट नंबर के लिए था, ये आपका पूरा एवरेज नसल्ट नंबर के लिए है। एवरेज नसल्ट नंबर का ये फॉर्मूला है 0.6677 प्रांटल नंबर हाफ 0.952 प्लस प्रांटल नंबर -1/4। आपको क्या चीज हिंट बता रही है कि ये एवरेज नसल्ट नंबर के लिए है और उसके नसल्ट नंबर के लिए नहीं है, नॉर्मल नसल्ट नंबर के लिए? ऐसी क्या ट्रिक बता रही है आपको? फिर एच बार 0.677 है। एच बार के अलावा भी एक चीज बता रही है 4/3। अगर फर्ज करें मैं एच बार भूल जाऊं, एक चीज आपको और बता रही है। प्लीज अपने फॉर्मूला जरा गौर से देखिएगा। ऊपर वाला फॉर्मूले में ग्रश ऑफ नंबर का सबस्क्रिप्ट देखें, ग्रश ऑफ नंबर एक्स यानी लोकलाइज्ड है। नीचे वाले में इसका सबस्क्रिप्ट देखें, ग्रश ऑफ नंबर एल। ये एल आपको बता रहा है कि ये पूरा एवरेज है, पूरी लेंथ इनकॉर्पोरेट है। तो दिया जाएगा तो पूरा इसी फॉर्म में दिया जाएगा, जीएलएल और जीआरएल और जीआरएक्स। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं।